उपहार 1971 की हिंदी भाषा की फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्य द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वयंप्रभु दत्तक, कामनी कौशल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की त्रासदी की लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। 45वीं अकादमी पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया, लेकिन इसे नामांकन नहीं दिया गया। बाद के वर्षों में इस फिल्म को विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 72 मलयालम उपारम के रूप में सफल रही। समाप्ति से प्रस्तावित रे द्वारा बंगाली फिल्म को उसकी लघु फिल्म की तिकड़ी का एक हिस्सा इस मूवी को माना गया। किशोर कन्या मूवी के निर्देशक थे सुधीर राय, आधारित थी रविंद्रनाथ टैगोर लघु कहानी। यह मूवी ताराचंद बड़जात्य, अभिनेता थे जया भादुड़ी, कामिनी कौशल, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। रिलीज की तारीख थी 10 दिसंबर 1971। देश था भारत, भाषा थी हिंदी। अनुप कोलकाता के कानून पढ़ाई करते हैं, जबकि विधवा माँ पश्चिम बंगाल के छोटे शहर में रहती है। उनकी एक बहन है जिसका नाम होता है सुधा, जिसकी उन्होंने शादी अनिल से की हुई है। वह अपना निवास कोलकाता में रखती है। चूंकि अनुप की उम्र विवाह योग्य है, इसलिए उसकी माँ ने अपने पड़ोस में एक भावी दुल्हन का चयन किया। लड़के का नाम विद्या है। जो अनुप पर लौटती है, उसकी माँ उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहती है कि पहले लड़के को देखना चाहता है। वह विद्या से मिलने चाहता है और शारदा रामचंद्र की बेटी होती है जिसका नाम होता है मीनू। वह उससे मिलने वहाँ पर जाता है, उससे मिलता है, बातचीत करता है। अपनी माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से ही शादी करेगा। उसकी माँ एनिक्सा से सहमत हो जाती है, शादी हो जाती है। उन्हें पता चला कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, तो वह पढ़ी लिखी है और इतना परिपक्व है अनुप के साथ अपने रिश्ते को समझ सकी। उसकी एकमात्र रुचि आम को अन्य फल चुराना और अपने छोटे बच्चों के साथ खेलना। अनुप की माँ मीनू से काफ़ी नाराज है और उसके लिए वह वहाँ से एक दूर छोटा किनारा की अपने साथ में ही वहाँ पर आ जाती है। उनकी मुलाकात के बीच की संघर्ष को उनको पता चलता है। उससे बातचीत को करती है और नई दुल्हन को ताला में बंद रखने के लिए मजबूर है। जब अनुप को कोलकाता लौटने का समय आता है, तो वह लौटते समय उससे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाती है। उसकी माँ मीनू के बचपन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने साथ रहने से मना कर देती है। तब अनुप मीनू को उसकी माँ शारदा के पास छोड़ देता है और एक बार फिर अनुप से छोड़कर वापस कोलकाता चला जाता है। और मीनू एहसास होने लगता है कि वह याद करती है गांव के बच्चों के साथ खेलना, बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी पहली और सभी गतिविधियों को अपना आकर्षण खो देती है। अपने अकेलेपन में अनुप के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है। फिर उसकी माँ कहती है कि अनुप के घर वापस जाना चाहती है, सास के साथ सुलह करना चाहती है, उनके साथ रहना।